आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जिसके पास एक भी सांसद नहीं वो प्रधानमंत्री बनाने की बात करे तो सोचिए कैसा लगता होगा। जी हां, बिहार की राजनीतिक गलियारों में आजकल यही चर्चा है कि जिस राजद के पास एक सांसद नहीं है लोकसभा के, वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाना चाहता है। आखिर ये संभव कैसे है, इसकी पूरी वानगी हम बताएंगे आपको। लेकिन सुशील मोदी ने क्या कुछ कह दिया है इस पर आपको पहले सुनवा दें। बोलने से क्या होता है, जिनके एक भी सांसद नहीं है तेजस्वी यादव, और 303 सांसद की पार्टी को चुनौती दे, राजद का कोई है क्या इनकी लोकसभा में? जीरो सांसद वाला, जिसके मुश्किल से अखिलेश यादव के 5-7 एमपी होंगे। बड़ी बड़ी बात बोलने में क्या लगता, बोलते रहिए अखबार की सुर्खियों में, बने रहिए। नीतीश कुमार 44 एमएलए के मुख्यमंत्री और बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस जिसकी विधायक दल की बैठक में 9 एमएलए आए नहीं और वो पार्टी बीजेपी को चुनौती दे रही है, तो चुनौती देने और बोलने में क्या लगता है? मीडिया में बाइट देते रहिए, बोलते रहिए। अखिलेश यादव का क्या हाल उत्तर प्रदेश का? पिछली बार तो मायावती और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़े थे ना, क्या हाल हुआ? कितनी सीट जीते? बीजेपी 64 सीट जीत गई। सारा मीडिया लिख रहा था कि अब तो मायावती और ये समाजवादी पार्टी का समझौता हो गया, अब तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। लेकिन देखिए, जनता ने मन बना लिया है, इनकी एक होने की मीटिंग करने से कोई परिणाम और कोई निष्कर्ष नहीं बनता। तो केंद्र में रूलिंग पार्टी है, तो बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब हमारे सहयोगी कौन आएंगे नहीं आएंगे, इतना क्या हुआ है, केंद्र तय करेगा। लेकिन हम अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जब जीरो वाले 40 पर लड़ रहा है, तो जिसके ऑलरेडी 17 एमपी हैं लोकसभा के अंदर, वो कितने सीट पर लड़ेगी आप सोच सकते हैं। तो आपने सुना, सुशील मोदी ने कहा कि एक भी सांसद नहीं और प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। और यही नहीं रुके सुशील मोदी, जब हमने उनसे सवाल दागा कि क्या प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि बारात निकल गई है और दूल्हे का पता भी नहीं है, क्या दिल्ली जाकर दूल्हा खोजेंगे कि शादी किस लड़की से करानी है, ये भी जरा सुनवा दें। अरे भाई, बारात निकल गई तो दरवाजे पर जाकर लड़की का चेहरा देखकर दूल्हा तय कीजिएगा कि दूल्हा कौन होगा। अरे जब बारात सज रही है तो दूल्हा भी तो तय होना चाहिए ना, तो इनको डर है कि सिर्फ ट्रबल हो जाएगा। कोई नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगा, कोई केजरीवाल को स्वीकार नहीं करेगा, तो जनता जानना चाहेगी ना कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला कौन करेगा, नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन है। लोग चेहरा देखना चाहते हैं, अगर हिम्मत है तो नाम तय कीजिए, लेकिन ये नाम नहीं तय कर सकते। देखिए, इनका जो सम्मेलन हो रहा है उसमें केसीआर नहीं आ रहे हैं, ये तो केसीआर आए थे ना, घर क्यों नहीं आ रहे हैं केसीआर? इनकी बैठक में नवीन पटनायक नहीं आ रहे, जबकि ये गए थे निमंत्रण देने के लिए, उड़ीसा क्यों नहीं आ रहे हैं? एचडी कुमार स्वामी नहीं आ रहे हैं, मायावती नहीं आ रही हैं, और जो लोग आ रहे हैं उनमें आपस में कितना झगड़ा कि बंगाल में पंचायत का चुनाव चल रहा है और परसों कांग्रेस के कार्यकर्ता की टीएमसी के लोगों ने हत्या कर दी, और अधीर रंजन चौधरी का बयान है कि पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर पंचायत का चुनाव कराया जाए। उधर दिल्ली में ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल ने तलवार खींची हुई है, आज तक समय नहीं दिया उन्होंने। तो इसलिए ये हाथ मिलाने से दिल नहीं मिलता है, इसलिए ये जो प्रयोग कर रहे हैं ये प्रयोग सफल नहीं होने वाला है। और अभी देखिए 23 आते आते इसमें कितना प्लस माइनस होगा, लेकिन अगर बैठक हो भी जाए तो हिम्मत हो तो नाम तय कीजिए ना, पहले क्यों नहीं नाम तय कर उसका जवाब दें, और जनता पूछेगी तो क्या जवाब देंगे कि बाद में तय करेंगे। तो मैंने कहा कि बारात लग रही है और बारात सज रही है, बाराती इकट्ठा कर रहे हैं, इनका है कि अभी दूल्हा का नाम तय नहीं करेंगे, जब दरवाज़ा लग जाएगा तो लड़की का चेहरा देखकर तय करेंगे, दुल्हन को देखकर कि कौन जो है और दूल्हा होगा। तो आपने सुना, सुशील मोदी ने कहा कि दूल्हे का पता ही नहीं, दूल्हा कौन बनेगा, दूल्हा क्या केजरीवाल नहीं बन सकते हैं, दूल्हा क्या और भी जो लोग हैं वो नहीं बन सकते हैं, कि सिर्फ नीतीश कुमार ही दूल्हा बनेंगे और दूल्हा बनने की इनकी अब तो उम्र भी नहीं है, यहां तक कह दिया है सुशील मोदी ने। हमने आपको जैसा कि सुनवा दिया, अब देखना यह है कि क्या बिना सांसद के जो ख्वाब राजद जो है वो दिखाई है नीतीश कुमार को, उसमें राजद या उसके
वयोवृद्ध जो नेता है लालू प्रसाद यादव, वो कितना सफल हो पाते हैं, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय निश्चित तौर पर है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।